नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर के ऑडियो बुलेटिन में। मध्य प्रदेश में कोरोना के 16 नए केस, 10 दिन बाद सबसे ज्यादा 8 इंदौर में। शादी में जबलपुर आया जर्मन युवक पॉजिटिव। महंगाई को लेकर सरकार पर तंज, विधायक जयवर्धन बोले, आजादी के बाद जितनी महंगाई नहीं बढ़ी थी उससे ज्यादा मोदी सरकार के समय में बढ़ी। नए कनेक्शन लेने में आसानी, कोलार और मिसरोद भी बिजली के सिटी सर्कल में होंगे शामिल, सीमित समय के लिए होगी कटौती। डेंगू का कहर जारी, ग्वालियर में डेंगू के 6 नए मरीज और मिले, अब तक 2654 पॉजिटिव। ग्वालियर में अब हो सकेगी जीका वायरस की जांच, आईसीएमआर की मंजूरी। टेस्टिंग तो दूर, ट्रैकिंग ही नहीं, मध्य प्रदेश में 13 दिन में 1668 विदेशी आए, 883 का पता नहीं, हाईरिस्क कंट्री से आए 174 की जाँच नहीं। धर्म परिवर्तन को लेकर मिशनरी स्कूल पर हमला, हिंदू संगठनों ने 8 बच्चों के धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया, परीक्षा के दौरान स्कूल में की तोड़फोड़। उज्जैन में नियमों की अनदेखी पड़ी भारी, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को घर पर भेजे जा रहे ई चालान। इंदौर टू दुबई की फ्लाइट जारी रहेगी, दुबई हाई रिस्क कंट्री में शामिल नहीं, बुधवार को जाने वाली फ्लाइट के 80% टिकट बुक। मध्य प्रदेश में हल्की ठंड, आसमान साफ होने से बदला मौसम, दिन के तापमान में 3 डिग्री की गिरावट, 2 दिन बाद छा सकते हैं बादल। ये थे अब तक के मुख्य समाचार, खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे इंडिया खबर।